परिणाम भारत के लाखों लोग, लाखों युवा, लाखों नौजवान दोस्त, मेरे भाई मांस शराब छोड़ के सात्विक जीवन जीने लग गई। ये कथा का प्रभाव, लाखों नहीं मेरी माँ, करोड़ों मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, करोड़ों लोग भारत में नशा मुक्त हो गए, शराब मुक्त, जुआ मुक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। ये कथा का प्रभाव है। बहुत तेजी से भारत में बदलाव आ रहा, यदि यही बदलाव ऐसे 2-5 साल तक कंटिन्यू बना रहा, मैं आपको निवेदन कर दूं पूरा देश बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा, एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी लेने वाले नहीं, कथा सुन सुन के हम कहते हैं ना नौकरी लेने वाले नहीं देने वालों बनो, कितने लोगों ने नौकरी देने का काम शुरू कर दिया, सफल हो गए हैं, जो कभी कहीं काम किया करते थे अब वो मालिक बन गए हैं। एक पॉजिटिविटी तो आती है ना कथा से, सकारात्मकता तो आएगी, बस आपके प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा पर भगवान ने उन्हें पॉजिटिव कर दिया, एक सकारात्मकता से भर दिया। ठीक है, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध आपको जो सकारात्मक ज्ञान देता है उसी करना आपको ही है सब चीजें, आपका दुख कोई नहीं मिटाने आएगा, आपको ही सब करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग बता करके, रास्ता दिखा करके, हर प्रकार से आपके साथ खड़े होके आपका सपोर्ट कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन का सपोर्ट पूरा किया पर महाभारत अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। लड़ना तुम्हें ही है, सफल तुम्हें ही होना पड़ेगा, डिसीजन आपको ही लेना है। हम ये बता सकते हैं कि निर्णय कैसा लेना है, किस प्रकार से, तो आसान हो जाएगा। कुल मिला के युद्ध आपको लड़ना है पर जब आपके साथ इस संसार में हर व्यक्ति अर्जुन है और हर व्यक्ति यदि कृष्ण का साथ कर ले तो हर अर्जुन की जीत होगी, और कहीं साथ शकुनी ने दे दिया तो दुर्योधन बन के युद्ध हार जाओगे। शकुनी दुर्योधन के सलाहकार हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन के सलाहकार हैं। जीवन तब आगे बढ़ता है, जीवन तब महान बनता है जब सलाहकार भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग हों। आपका सलाहकार जितना अच्छा होगा आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, आप उतने आगे जाएंगे, आपका उतना विकास होगा। सलाहकार अच्छी सलाह अच्छी हो, गलत सलाह दे दी किसी ने, आप गलत करने लगे, माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन, गुरु कौन है, लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना, अरे गुरु मतलब होता है एक बेस्ट सलाहकार, आपके जीवन को सलाह देने वाला पर्सन गुरु होता है। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमने तो हनुमान जी को गुरु बना लिया, शंकर जी को गुरु बना लिया, कृष्ण जी, अरे ये भगवान है, इन्हें तुम गुरु बनाओगे तो भगवान जब कोई बात बताने आएंगे तो इंसानों के रूप में ही ना आएंगे, तुमने उन्हें तो गुरु बना लिया, उन्होंने आपको चेला माना कि नहीं। इसलिए भगवान तो गुरु है ही, कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान तो सबके गुरु है ही, शंकर जी और हनुमान जी तो जीव मात्र के गुरु हैं, परंतु गुरु तत्व हमारे और आपके बीच में ही। भगवान राम भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाते हैं। गुरु का अर्थ है जो आप, पहले आप सुनो, जिनके द्वारा आपका अज्ञान मिटता हो, जिनके द्वारा आपके समझने की, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती हो, वो आपके गुरु हैं। जिनसे शांति मिलती हो, भक्ति मिला, ज्ञान मिला, जीवन जीने का आनंद मिला, वो गुरु हैं आपके। उन गुरु की शरण में जाकर आत्मसमर्पण कर दीजिए, आगे का जीवन गुरुजनों के हिसाब से जीना सीख लो, अपने आप आपके जीवन में विकास होगा, तरक्की होगी, अपने हिसाब से नहीं। आज प्रधानमंत्री जी को भी ना सलाहकार रखने पड़ते हैं, क्यों, यहां तक कि अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे, उस जमाने में भी सलाहकार, और माता मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, है ना, उस जमाने में कैकेयी की सलाहकार कौन थी, कैकेयी की सलाहकार कौन, मंथरा। तो मेरी माँ कहीं आप लोगों की सलाहकार भी तो मंथरा नहीं है। सलाहकार किनके जैसा हो, किनके जैसा, किनके जैसा, भगवान श्री कृष्ण के जैसा, भगवान श्री राम के जैसा सलाहकार हो। यदि इनके जैसा सलाहकार है, श्रेष्ठ, कुल मिला के श्रेष्ठ हो, आपकी जितनी बुद्धि है उससे ज्यादा बुद्धिमान आपके गुरु होने चाहिए। और गुरु कैसे हो,
जो शास्त्रों की बातें बताएं, शास्त्रोक्त। कई गुरु ऐसे होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, अपने हिसाब से बोलना आ गया तो बोलने लगे, कुछ भी चालू है। कई तो टोने टोटके ही चल रहे हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। टोने टोटके वाली विधा नहीं मेरी माँ, हमारे शास्त्रों में टोना टोटका नहीं है, हमारे शास्त्रों में कर्म है। गीता में कहीं टोना टोटका नहीं है, गीता में लिखा है तू कर्म कर, फल की कामना ना कर, मैं तेरे साथ हूं, इस विश्वास से कर्म कर। ये विश्वास जगाने का नाम भक्ति है। गुरु का काम है विश्वास जगाना, टोना टोटका नहीं, कैसा कर लो ऐसा हो जाएगा, कैसे ऐसा हो जाएगा, साइंटिफिक आपका नियम हो। यदि आप हमारे शास्त्र ना पूरे साइंटिफिक है, टोने टोटके से जिंदगी नहीं चलती। अब किसी ने कहा कि भाई पांव में काला धागा बांध लो, तो लोगों ने बांध लिया। कई ने कहा कि अपने घर में नींबू और मिर्ची लटका लो, लो नींबू मिर्ची लटका लिया। लोगों ने कहा ऐसा कर लो जूता लटका लो अपने घर के ऊपर। अच्छा है किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी बाल चोटी में जरा जूता बांध लो, नहीं माता है तो वो भी लटका के चालू। इतना अंधविश्वास है ना, आप लोग ना कुछ भी समझते नहीं है, जिसने जैसा बोल दिया वैसा नहीं, जिसने जैसा बोल दिया वैसा नहीं, आप अपने विवेक से काम लो, गलत नहीं सही। और जो भी काम हो साइंटिफिक हो, हर चीज साइंस से मैच करती हो। आज बिना साइंस के आप कोई चीज नहीं। हमारे यहां सनातन जो धर्म है हमारा, वो टोने टोटके पर थोड़ी टिका हुआ। अब टोना टोटका, एक्चुअली लोग टोना टोटका करते हैं, पर टोना टोटका किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा टोना टोटका क्या है? अरे हम तो कहते हैं भगवान का नाम लेओ, श्रीमन नारायण जपो, इस पर विश्वास रखो। जो भगवान की शरण में है, बस ये याद रखो कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये विश्वास सबसे बड़ा टोटका, ये विश्वास ही सबसे बड़ा टोटका। प्रहलाद जी को भगवान पे क्या था, क्या था? वो भी नींबू मिर्ची बांधते फिरते थे क्या? फिर कई लोगों ने अपना नया घर बनाया करोड़ों का, ऊपर जूता लटका दिया। अब आप बढ़िया सिंगार करो, जूता बांध लो यहां, कैसा लगेगा? तो घर के शिखर पर जूता क्यों? देखो लोगों को ज्ञान नहीं है। कई लोगों ने अपने दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को बिठा रखा है। शास्त्र कहते हैं द्वार पर लक्ष्मी जी ना हो, लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देख रही हो। आपको धन चाहिए ना, कई लोग तो धन पाने के लिए टोना टोटका करते हैं। चलो मैं आपको टोना टोटका नहीं, एक शास्त्रोक्त नियम बताता हूं, यदि इसको कर लोगे धन की कभी कमी नहीं आएगी। हम कोई टोना टोटका कभी आपसे कहते नहीं है और इस पर बिलीव नहीं करते। हम तो भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर विश्वास करते हैं। भगवान का नाम जपना है और विश्वास है कि गोविंद मेरे साथ हैं, यही मेरा, जो भी इसे कुछ भी मानो आप, करने कराने वाले भगवान हैं। तो एक चीज, जैसे कई लोग अपने द्वार पर लक्ष्मी गणेश जी द्वार पर लगा देते हैं, तो लक्ष्मी जी की दृष्टि किसकी तरफ होती है? बाहर की तरफ। लक्ष्मी जी कभी बाहर ना देखें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी सदा घर के अंदर होनी चाहिए और घर के अंदर ही देखना चाहिए, उनकी दृष्टि घर के अंदर। यदि दृष्टि बाहर है तो आएंगी बहुत, पर बाहर की तरफ भागेंगी। लोग कहते हैं महाराज जी धन रुकता नहीं है, इसलिए हमेशा लक्ष्मी जी को घर के अंदर रखा करो। और लक्ष्मी जी जब भी हो तो भगवान श्रीमन नारायण के साथ हो। आपके घर में लड्डू गोपाल जी होना चाहिए सबके घर में, पर संग में लक्ष्मी नारायण भी होना चाहिए। कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए? यदि आपके घर में अकेली लक्ष्मी है तो देखो, आप किसी की पत्नी को अकेले पकड़ के ले आओ, कितने दिन रुकेगी वो? और खुश रहेगी? वो भागेगी, कहां रास्ता मिल जाए, कहां से भाग जाऊं मैं, कहां से निकल जाऊं मैं, अकेले बंद किया। लेकिन पति के संग है तो फिर वो खुश रहेगी, सदा रहेगी। इसलिए घर में अकेली लक्ष्मी नहीं, संग भगवान श्रीमन नारायण होने चाहिए। इसलिए आप लोगों के घर में जो लक्ष्मी है वो अकेली है, इसलिए आपके घर में पैसा तो है पर टेंशन है, चिंता है, भाग रही है लक्ष्मी, टिकती नहीं है। महाराज जी आती तो है, चली जाती है, पता नहीं, रुकता नहीं है, क्योंकि अकेली लक्ष्मी है। इसलिए
लक्ष्मी जी अकेली नहीं होनी चाहिए, सदा किनके संग? इस भाव से कि ये हमारे भगवान श्रीमन नारायण हैं और लक्ष्मी जी कैसी हो, भगवान क्षीर सागर पर लेटे हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हो, यदि ये मूर्ति आपके घर है तो आप इनका पूजन करें, दर्शन करें, लक्ष्मी जी का दर्शन करें और सदा लक्ष्मी मेरी माता है, श्रीमन नारायण मेरे पिता हैं, इस विश्वास से भगवान श्रीमन नारायण की आराधना किया करो। और हमेशा अब बताइए राम और कृष्ण में बड़े कौन हैं? कौन मैया बताएंगी? कौन? राम। तो आप मैया बताइए कौन बड़े हैं? आप बताइए कौन बड़े हैं? आपने कहा राम जी बड़े हैं, तो क्या कृष्ण जी छोटे हैं? यदि आपने कहा कृष्ण जी बड़े हैं तो क्या राम जी छोटे हैं? ना, दोनों क्या हैं? दोनों एक समान हैं। ये भी आप कहेंगे तो गलत है, दोनों एक समान हैं। यदि आप एक समान शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी बात गलत हो जाएगी। दोनों एक समान नहीं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक ही है। श्रीमन नारायण ही राम है और श्रीमन नारायण ही कृष्ण है, इनमें रत्ती भर कोई भेद नहीं है, वही राम वही कृष्ण। तो हम आपसे कह रहे थे कि अपने द्वार पर लक्ष्मी गणेश ना रखे, अंदर लक्ष्मी गणेश रखें और द्वार पर हमेशा शंख चक्र लगाना चाहिए। द्वार पर क्या लगाना चाहिए? जैसे ये देखिए शंख है, ये चक्र है, ऐसे ऐसे आप लोग बनवा लीजिएगा। और द्वार पर शंख चक्र और तिलक, ये जैसा ये है सेम, आप देख लीजिए अपने गूगल पर निकाल लीजिएगा, शंख चक्र निकल के आ जाएंगे। शंख चक्र तिलक क्यों लगाना द्वार पर? जैसे चक्र से भगवान ने सभी दुष्टों का दमन किया, शंख बजाया तो विजय शंख है, और तिलक ये जो होता, हम जो तिलक लगाए हैं माथे पर, इसका अर्थ होता है ये तिलक भगवान श्रीमन नारायण के दोनों चरण हैं और ये नीचे नाक की तरफ चरणों को रखने की आसन है, और ये लाल जो है ये माता लक्ष्मी है। ये शंख चक्र आपके माथे पर, ये तिलक माथे पर हो और शंख चक्र आपके फ्रंट द्वार पर, जैसे आप घर में जाते हैं दरवाजे के ऊपर, सेम यही चक्र तिलक और शंख। तिलक ऐसा, गूगल में डालेंगे शंख चक्र और ये फोटो भी आप ले जाएंगे और बनवाएंगे, बन जाएगा। लगाइए द्वार पर, जब ये भगवान के चरण आपके द्वार पर होंगे तो घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी सदा। ये देखो आप टीवी पर, ये देख लो, इसकी फोटो ले लीजिए जो टीवी पर दर्शक है। ये देखिए तिलक कैसे लगाते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के चरण है ये भगवान के क्या है, ये चरण है। गरुण जी कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है आप तो शंख चक्र और तिलक ही घर पर लगवाएं जैसे कि ये है, तो ये घर में बनवा के जरूर लगवाएं अपने द्वार पर और लक्ष्मी जी घर के अंदर रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और सदा श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण का जाप करो, कीर्तन करो। किनका जाप करना है? श्रीमन नारायण, श्रीमन ना, क्यों? क्योंकि श्री होती है लक्ष्मी जी और नारायण तो नारायण, तो कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। किसी टोने टोटके से आपकी गरीबी नहीं जा सकती, गरीबी जाएगी तो आप कर्मशील बनो, कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, भगवान पे अपार श्रद्धा रखो, श्रीमन नारायण का जाप करो, मेहनत करो, कर्म करो, तब दूर होगी गरीबी, टोने टोटके से नहीं होगी। ठीक है, भगवान का चिंतन हो। और शंख चक्र हमारे भगवान शंख चक्र धारण करते हैं ना, भगवान विष्णु जी शंख चक्र लिए रहते हैं कि नहीं? आपने कभी भगवान विष्णु जी के स्वरूप को देखा होगा, तो शंख चक्र उनके आयुध हैं, इसलिए हम शंख चक्र द्वार पर लगाने की बात कर रहे हैं। और तिलक का अर्थ होता है ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, बीच में माता लक्ष्मी है, ये तिलक का आशय होता है। कई लोग बोलते हैं तिलक लगाने की क्या जरूरत है, हाँ तो फिर माताओं को मांग भरने की क्या जरूरत है? अरे मांग भरना भारतीय परंपरा रही है, एक पत्नी अपने पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए हमारे सनातन धर्म में मांग भरने की विधा रही है। उसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के चरणों को अपने, ये तिलक नहीं है, ये तिलक स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, इसलिए तिलक लगाना मतलब भगवान के चरणों को रखना है। और कोई भक्त तिलक लगाए इस भाव से, मैं तिलक लगाता हूं इस भाव से कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, तो तिलक आपको भी लगाना चाहिए, माताओं को भी लगाना चाहिए। माताओं को तिलक कैसे लगाना चाहिए? आपकी बिंदी के नीचे सफेद कलर का वी बना लो, ये सोचो कि ये भगवान श्रीमन नारायण के, और बिंदी के ऊपर खड़ा लाल, छोटा सा वी, बिंदी के नीचे वी और खड़ा लाल, तो ऐसा तिलक महिलाएं और पुरुष जैसे हम लगाए हैं, सामान्य भी आप रेखाएं दो ऊपर खींच लीजिए, नीचे आसन बना लीजिए, बीच में लाल, ये सामान्य तिलक हो गया।
तिलक लगाना जरूरी है। आजकल लोगों को ना शर्म आती है, लाज आ रहे तिलक लगाएंगे, लोग हंसेंगे, तो लोगों का काम ही हंसना। अभी हमने गधे की कथा सुनाई थी, लोगों का काम क्या है? हाँ, तो तुम तिलक लगाओ तो भी हंसे। आजकल लोग झूठ बोलते हैं, लोग उन पर नहीं हंसते, शराब पीते हैं, लोग उन पर नहीं हंसते, जुआ खेलते हैं, उन पर नहीं हंसते, झूठ करते हैं, उन पर नहीं हंसते, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उन पर कोई नहीं हंसता, लेकिन आप तिलक लगाएंगे तो जमाना हंसेगा। तो क्या हंसने के डर से हम अपनी संस्कृति छोड़ दें? फिर हम तिलक नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तानी लगाएंगे क्या? भाई हमारे धर्म की रक्षा हमें ही तो करनी है, और रक्षा कैसे होगी? धर्म का पालन करो, यही रक्षा है। आजकल लोगों को शर्म आती है तिलक लगाने में। दक्षिण भारत, हमारे वृंदावन की माताएं तिलक लगाती हैं, और आप दक्षिण भारत जाएंगे, दक्षिण भारत में भी माताएं तिलक लगाती हैं। वहां श्री संप्रदाय का ऐसे ही तिलक लगाती हैं, बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का भी सफेद से और लाल खड़ा, ये लक्ष्मी, लाल मतलब लक्ष्मी जी, श्री बोलते हैं, और चंदन मतलब सफेद मतलब भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण। सब लगाती हैं माताएं, चाहे अच्छे घर की हों, चाहे मजदूरी करने वाली माँ बहन बेटियां हों, सब तिलक लगाती हैं वहां पर। दक्षिण भारत हम गए थे, हमने दर्शन किया, सबके माथे पे तिलक था, लेकिन यहाँ लोगों को लाज शर्म आती है, है ना? झूठ बोलने में लाज शर्म नहीं आती, गुटखा तंबाकू खाने में लोगों को लाज नहीं आती, लेकिन तिलक लगाने में लोगों को लाज आती है। तो मैया जी तिलक लगाओ, भगवान का चिंतन, जो भगवान के आश्रय है, आश्रित है, कभी दुखी नहीं हो सकता। भगवान को भोग लगा के भोजन करना, प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रसाद के लिए, प्रसादे सर्व दुखानां, गीता में लिखा है प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। अर्थ ये हुआ कि भगवत प्रसाद, इसके अर्थ तो अलग अलग प्रसाद के लिए है, पर इस अर्थ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। शास्त्रों में प्रसाद की बड़ी महिमा गाई है। जगन्नाथ जी का क्या प्रसिद्ध है? जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ जी का भात, जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। सत्यनारायण की कथा आप में से कितने लोगों ने सुनी है? उस कथा में भी पांचवें अध्याय में कथा आती है, आखिरी अध्याय, कि एक राजा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, एक राजा गया, उसे पंजीरी का प्रसाद दिया गया, उसने रख दिया, है ये प्रसाद क्या खाए, हम तो 56 भोग खाने वाले हैं, सूखा प्रसाद खाएंगे, उसने प्रसाद की अवहेलना कर दी। उसके घर लौटने के पहले उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। बाद में उसको भगवान स्वप्न में बोले, तूने प्रसाद की अवहेलना की है, जा जहां तूने फेंका उसे चाट, प्रसाद खा। और उसने प्रसाद खाया। कुल मिला के हम लोग, आप दाल चावल सब्जी रोटी जो बनाती हो ना मेरी माँ, पहले थाली में सजा के उसमें तुलसी का पत्ता डालकर, सबसे पहले आपके घर में जो गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, पहले उन्हें भोग लगाया करो। बच्चों के लिए टिफिन बनाती हो तो भी टिफिन में रोटी पूड़ी पुआ ना रखा करो, टिफिन में पहले भगवान को भोग लगा के जो भी रखा करो वो प्रसाद रखा करो। भले पूड़ी प्रसाद हो, पूड़ी का प्रसाद, भले रोटी का रोटी रखो, पर पहले भोग लगा के रखो, पहले भगवान को क्या लगे। अब आजकल की मम्मियां बिना नहाए भोजन बना लेती हैं बच्चों की टिफिन, सवेरे बच्चे जाते हैं 6 बजे, अब मम्मी इतने जल्दी तो नहा नहीं सकती, आलसी है कलयुगी मम्मी, बिना नहाए बना देती है, बिना नहाए तुमने भोजन बनाया है तो भोग तो लगेगा नहीं, फिर वो तुम्हारा बच्चा जो खा रहा। शास्त्र कहते हैं बिना भगवानों को अर्पित किए तुम जो भी खाते हो वो पाप खा रहे हो, पाप है वो, वो क्या है, पाप है, बस कुल मिला के ये समझो। इसलिए भले तुम समोसा भी खाओ पर पहले मानसिक भाव से भगवान को समर्पित कर दो, हे प्रभु आप ग्रहण कीजिए भाव से, फिर आप प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कीजिए। दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ, हलवा पूरी बनाओ, तुलसी डालो और भगवान को पहले निवेदित करो, हे नाथ स्वीकार कीजिए, हे प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए, घंटी बजा के भगवान को भाव, जैसे एक माँ बच्चे को खिलाती है ऐसे भगवान को खिलाओ, थोड़ा पर्दा लगाओ, 2 मिनट इंतजार करो, भगवान खा रहे हैं, कई लोगों ने जाके रखे और वापस, तो हम भी तुम्हारे सामने थाली रखा करेंगे तुरंत वापस खा लोगे, अरे खाने में थोड़ा देर समय लगता है, 2 मिनट 5 मिनट। और कई माताएं तो ऐसी हैं, सवेरे रखी मिश्री 2-4, शाम तक वो रखी है चीटी वीटी लग गई है, मक्खी विन 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 मक्खी कर रही, इतनी आलसी, इतनी आलसी। भगवान की पूजा में सबसे बड़ा आलस्य और शाम को कई लोग ना वो मिश्री फेंक देते हैं। याद रखो जिस पानी से हम भगवान को नहलाते हैं वो पानी क्या हो जाता है, भगवान को नहलाने के बाद वो पानी क्या बन जाता है, वो पानी चरणामृत।
और चरणामृत आप भगवान को नहलाओ और नहला के उस पानी को आप ग्रहण करो, पियो। बच्चों को वो चरणामृत है, भगवान श्री राम के चरण धोकर केवट ने वो पानी पिया था ना, चरणामृत की बड़ी महिमा। जो चरणा बच्चों को स्कूल भेजने के पहले बच्चों को रोज चरणामृत दिया करो, चरणामृत रोज लेने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, ये चरणामृत की महिमा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बड़ी महिमा चरणामृत की है। भगवान गोपाल जी को शालिग्राम भगवान को स्नान करा के जो जल बचता है वो प्रसाद है, और जो बच गया उसे क्यारी में डालो अर्थात माटी में, अर्थात जहां पाँव ना पड़े किसी के। भगवान के चरणामृत यदि पाँव के नीचे आ जाए तो बड़ा पाप होता है, भगवान के गले की माला हमारे पाँव के नीचे आ जाए बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप लोग कई बार बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो वहां से पुजारी जी आपको माला फेंक के देते हैं, कई लोग वो माला फेंक देते हैं ना, वो भगवान की प्रसादी है, उसे ले जाइए सुरक्षित रखिए, और नहीं तो फिर जलाशयों में जलाशय के किनारे रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद के भगवान के जो वस्त्र हैं जो भी अब पहनाने लायक नहीं बचे पुराने कपड़े हो गए उनको, उन्हें निर्माल्य कहते हैं। भगवान के उतारा गया, जैसे अब देखो ये भागवत जी पर फूल चढ़ा, अब ये मुरझा गया, अब ये उतारा गया, अब ये शाम को उतर जाएगा, इसे निर्माल्य कहते हैं। भगवान की माला पुराने कपड़े वो निर्माल्य कहलाता है, इन्हें माथे से लगाना चाहिए भगवान के प्रसाद, क्योंकि भगवान को स्वीकार हुआ है, फिर भगवान के चरणों से निकाल के पहले माथे से लगाओ, आँखों से लगाओ, नेत्रों से लगाओ, ये सोचो कि ये भगवत स्वरूप है, और इसे व्यवस्थित जल में या जल के किनारे रेत में गड्ढा खोद के इन्हें विसर्जन करके ऊपर से बालू डालना चाहिए, साथ सम्मान विसर्जित करना चाहिए। पहले जो कपड़े भगवान पहनते हैं अब वही कपड़े आप लोग फेंक देंगे तो किसी नाली में जाएगा कहीं जाए तो ये अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान की चीजें संभाल कर